सर प्रधान जो रेडी लगवाते हैं वो कह रहे हैं सर का नाम बताओ, आपका नाम पूछ रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप अपना नाम बता दीजिए, वो कह रहे हैं सर नाम बता दीजिए अपना, चल रेडी पे था सर नाम पूछ रहे हैं, उन्होंने बोला नाम बता के भेजो, हम वो उसको बुलाए यहाँ पे बुलाओ सर, आप नाम बता दीजिए बोले सर वीडियो का दे बात, उन्होंने नाम मांगा दे बात, वीडियो का दे बात बना रहे हैं तू भैया, नहीं सर उन्होंने नाम मांगा है, नाम आप बता दीजिए, मेरे साथ मेरा हटा पाई मत कीजिए, ये देखिए सर आप देख लीजिए मेरे साथ कैसे गला दबा रहे हैं और मेरे को मार रहे हैं, ये अपना नाम नहीं बता रहे हैं, आप देख लीजिए सर, आप सभी देख लीजिए नंबर क्या था बत्ती जी की, ये अपना नाम नहीं बता रहे हैं, ये सर है सर, ये इनकी कार है देख लीजिए, ये अपना नाम नहीं बता रहे हैं, चलो सब है मेरे पास, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब मैं बनाऊंगा, मेरे साथ इतना मेरे को मारपीट की है सर, मैं रेडी लेके जा रहा हूँ, बस मुझे आपका नाम चाहिए, नाम चाहिए, बात करा दिलीप कुमार, मेरे को आपका बस नाम चाहिए, बात करा मैं जा रहा हूँ रेडी लेके, ऐसे भी बात करा के जाए, बात करा देता हूँ, बात करनी है स्पीकर, आपको नंबर देता हूँ, स्पीकर पे लगाइए फोन, बात कीजिए ठीक है, आपको रुकना जाना नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं आपकी बात कराऊंगा ठीक है सर, आप बात करो। तो जैसे कि आप सभी ने ये मेरा वीडियो देख ही लिया कि मेरे साथ कैसे ASI दिलीप कुमार जी ने मेरे को मारा है, मेरा गला भी पकड़ा है बुरी तरीके से, तो मैं इस हादसे जो ये मेरे साथ आज इंसिडेंट हुआ है, मैं आपको इसकी पूरी बात बताता हूँ। कल जैसे कि आप सब, कल की बात है 7 तारीख की, तो ये सर दिलीप कुमार ASI मेरे पास आते हैं शाम के वक्त, और शाम के वक्त मैं अपनी रेडी पर था, तो रेडी बढ़ाने का टाइम था, मैं अपने घर जाने के लिए तैयार ही था, तो मेरे पास सर नारियल पीने आते हैं, और मंडी का भी जो रेट चल रहा है 65 रुपए का नारियल था, 65-60 का, मैं 70 रुपए का बेच रहा हूँ, मात्र 5 या 10 रुपए मैं लेता हूँ एक नारियल का, तो सर मेरे को कहते हैं कि मुझे ठंडा नारियल चाहिए बड़ा वाला, तो मैंने कहा ठीक है सर, मेरे पास माल जैसे कि शाम का टाइम था पर मेरे पास माल खत्म था, तो मैंने सर को दिखा दिया पेटी में कि सर मेरे पास 3 नारियल ही बचे हैं, 2 से 3, आप देख लीजिए, अगर आपको इनमें से कोई अच्छा लगता है तो ले लीजिए, क्योंकि मीडियम साइज है और आप बड़ा मांग रहे हो, और तो सर मैंने बताया सर को, कहा कि सर अगर आपको बड़ा चाहिए तो आप ताजे में हैं इसमें से आप ले लीजिए, तो सर ने कहा मेरे को बड़ा चाहिए ठंडे में, अब बताइए मेरे पास ठंडा नारियल जब है ही नहीं बड़े में, खत्म हो चुका माल ठंडे में, सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे नारियल है, तो मैं इनको बड़ा नारियल कहाँ से ला के दूँ, तो मैंने सर को यही बात कही कि सर मेरे पास बड़ा नारियल ठंडे में नहीं है, ताजा है, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हैं, तो सर ने, और उसके बाद मैंने सर को कहा कि सर नारियल ऐसे ऐसे इतना प्राइस चल रहा है 60-65 रुपए, तो मैं 70 रुपए का सर पड़ पाएगा, इससे कम नहीं हो पाएगा, उससे पहले 60 रुपए चल रहा था, तो हमने 60 रुपए बेच रहे थे, तो अब बात ये होती है कि तो सर इसी बात पे भड़क जाते हैं और मेरे को कहते हैं कि तू यहाँ पर रेडी नहीं लगाएगा, मैंने पूछा सर क्यों, कहते हैं कि बस तू कल से रेडी नहीं लगाएगा, तेरी रेडी यहाँ पर नहीं दिखनी चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो जो मेरी रेडी है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, मैंने वीडियो बीच में रोक दी थी क्योंकि वो ASI दिलीप कुमार और उनके एक साथी द्वारा आए थे, उन्होंने मेरी वहाँ से रेडी हटवा दी है, तो मैं अपनी देखो मेरी रेडी पे सामान रखा हुआ है और ये मेरी रेडी है, तो मैं वहाँ से अपना रेडी हटा के ले आया हूँ दूसरी जगह ले आया हूँ, ये दुर्गा माता मंदिर है इसके सामने है मिलिट्री कैंप के बाहर, और मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी रेडी कहाँ लगती है, तो अभी मैं रेडी वहाँ खड़ी करके आ चुका हूँ, आपको कैसे दिखाता हूँ एक मिनट, आपको मैं अपना बैक कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ वीडियो को रोक के, तो आप देखिए जो यहाँ ये पेड़ है ना, ये जो पेड़ है सामने यहाँ पर देखो बैरिकेड भी लगा हुआ है, जो ट्रैफिक पुलिस के होते हैं वहाँ सर ड्यूटी कर रहे थे, और अभी मैं मेरी रेडी यहाँ लगी हुई थी, आप देख लीजिए ये मेरा रेडी का है, मतलब नारियल छीला हुआ, और मैं देखो ये इतना बड़ा रोड है, इतना बड़ा देखो सामने से इतना बड़ा है और इतना बड़ा रोड है, इतना लंबा चौड़ा, मैं जस्ट इस रोड के यहाँ इस साइड में इतनी सी जगह में मैं अपना रेडी लगाता हूँ, मैं आपको अपना फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ, अभी सर ने मेरे को जैसे भगा दिया तो मैं रेडी अपना वहाँ सामने खड़ा करके आया हूँ, वो देखिए वो बिल्कुल दिख रहा है आपको, वो साइड में बिल्कुल छोटा सा मेरा रेडी इधर से दूर से दिख रहा है, तो अब मैं आपको अपना फ्रंट कैमरे से बताता हूँ, तो सर मेरे पास आए उन्होंने फिर से मेरा यहाँ से रेडी हटवा दिया है, तो अब होता ये है कि आज ये सर मेरे पास आए
तो इन्होंने मेरे को इसी बात के ऊपर मेरे को पहले यहाँ मारा, तो मैं वो इंसिडेंट मेरे को नहीं पता था मेरे साथ ऐसा होने वाला है इतना बुरा, तो उन्होंने मेरे को यहाँ से मेरा गला पकड़ के मेरे को ये चीज दबा दिया और ये मेरे कपड़े देख सकते हैं ये, और मेरा ये भी फटा हुआ है ठीक है, और मेरे कपड़े का हालत चेक को कैसा हुआ पड़ा है, सारा गंदा हुआ पड़ा है, मैं वीडियो में दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद का वीडियो खुद ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ ठीक है। तो ये यहाँ मेरा रेडी था, वो सर ने मेरे को रेडी वहाँ पहुँचावा दिया है ठीक है। तो सर वहाँ ड्यूटी करते थे वहाँ सामने वाली साइड पे, वो जानबूझकर यहाँ अपना ड्यूटी करने आए थे और मेरे को भगा के चले गए, तो उन्होंने मेरे को यहाँ पहले मारा और माँ बहन का इतना मतलब गाली वगैरह दिया और बोल रहे हैं कि तू भैया है, मैं सिख हूँ, तू मेरे साथ जवान लड़ाएगा, और मेरे को बहुत बुरा भोला सीधा बोला, मेरे को एक बार वहाँ गिरा के मारा और मेरा गला भी पकड़ा। उसके बाद जब मैं उनके बाद मेरे को उनका नाम नहीं पता था, मैं उनका नाम पूछने गया तो मैंने सर से नाम पूछा तो पहले उन्होंने बताया नहीं, तो मैंने फिर वीडियो रिकॉर्ड कैमरा चालू करके वीडियो रिकॉर्ड करके मैंने सर से पूछा कि सर मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे आपका नाम चाहिए, और मैं रेडी भी कोई अपनी मर्जी से नहीं लगाता हूँ, जो मेरी ये रेडी लग रही है वो कॉरपोरेशन के नज़र में लग रही है, कॉरपोरेशन को हर महीने हम पर्ची कटवाते हैं और कॉरपोरेशन तो पता है, कॉरपोरेशन से ही हम यहाँ खड़े होने की परमिशन है। तो सर यहाँ खड़े थे जब मैं दोबारा, आपने जैसा वो पहला वीडियो देखा है तो वो जो घटना है वो घटना इस यहाँ की है सामने इस पेड़ के पास की, मैं आपको आइए दिखा देता हूँ। तो ये घटना यहाँ की है, आप देख सकते हैं ये पेड़ है और यहीं पे अभी सर ने मेरे को बुरी तरीके से मारा है, मेरा गले से आवाज भी नहीं निकल रहा है, तो सिर्फ इतनी सी बात को उन्होंने मेरे को मारा। अब आप ये बताइए मैं कॉरपोरेशन के अंदर कॉरपोरेशन की मतलब महीने में पर्ची दे के बकाया मतलब देता हूँ हर महीने पैसा भरता हूँ पर्ची का, और साइड में बिल्कुल रेडी लगा रहा हूँ, उन्होंने इसी बात पे मेरे को आज मतलब मारा है, और मेरे साथ इतनी बस लुटी की है, माँ बहन के बोला है, हिंदू बोला है कि मतलब बोला है कि तू भैया है और मैं सिख हूँ ऐसा मेरे को बोला, और मेरे को बोला अभी आप भी जैसे थोड़ी देर पहले फिर आए थे मेरी रेडी हटवा दी है, तो मेरे को बोला कि कल से तू बिल्कुल रेडी ही नहीं लगाया, तो आप ही बताइए मैं कहाँ जाऊँ, तो मैं चलते चलते अपनी रेडी पे दोबारा आ चुका हूँ, ये मेरी रेडी है, उन्होंने अब मेरे को वहाँ से भगा दिया, तो अब मैं पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस और जो भी दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं मैं बस आप ही बताइए, मैं आपसे अपने लिए छोटा सा न्याय की उम्मीद करता हूँ, तो आप बताइए मैं क्या करूँ, अगर मैं मान लीजिए अगर थाने में भी रिपोर्ट जाता हूँ पंजाब मुलाजिम जो कि ये इनका नाम जिन्होंने मेरे साथ ये हादसा किया ASI दिलीप कुमार जी हैं, अगर मैं इनकी रिपोर्ट कराता हूँ तो कोई मेरे खिलाफ रिपोर्ट भी नहीं लेगा, ना ही मुझे पंजाब पुलिस से उम्मीद है कि कोई मेरे खिलाफ मेरी सिरे से बंदे की सुनेगा, ना मेरे खिलाफ कोई या मुझे कोई सपोर्ट करेगा, क्योंकि मैं हम जैसे बंदों को कोई नहीं पूछने वाला है, हम आम पब्लिक हैं और रोड पर रेडी लगाने वाले कोई क्या ही सपोर्ट करेगा, पूरे ये इतना बड़ा रोड है यहाँ मार्केट चल रही है, उन्होंने मेरे को यहाँ मारा, किसी ने ईर तक नहीं पूछा भाई क्या हो रहा है क्यों मार रहे, सब लोग यहाँ से चले गए देखते रहे दूर से खड़े होकर और मैं फिरता रहा, तो मैं अभी पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार से यही करता हूँ कि मुझे बस मेरा न्याय चाहिए, बताइए मेरी गलती बताइए, अगर मेरी गलती थी तो मेरी रेडी उठवा देते मेरा चलान कटवाते, या मुझे जो मैं जो सजा के हकदार हूँ मुझे वो सजा दिलाते, मैं अपनी सजा के लिए तैयार था, बट बताइए इन्हें किसने हक दिया कि सीधा एक आम बंदे को इस तरीके से मारने के लिए, और इन्होंने हालांकि मेरे अभी आवाज नहीं निकल रहा बहुत बुरी तरीके से मारा है, अब मैं बस यही कहना चाहता हूँ मुझे इंसाफ चाहिए, जो जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हर व्यक्ति तक पहुँचाएं।